चंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बीच पंजाब असेंबली में रविवार को महिला विधायकों के बीच हाथापाई हुई है। सरकार और विपक्ष की विधायक आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। चीखती चिल्लाती हुई महिला विधायकों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की है और बाल भी खींचे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जिसमें महिलाएं एक दूसरे के साथ झगड़ती दिखाई दे रही हैं, एक कैप्शन दिया है। इस दौरान पुरुष विधायकों ने बीच में आकर महिलाओं को लड़ने से रोक लिया है। देखिए कैसे महिला विधायक आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पत्रकार के पोस्ट के मुताबिक महिला विधायकों के बीच ये विवाद पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने को लेकर हुआ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद अब पंजाब विधानसभा के भी भंग होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति आरिफ आलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के सुझाव पर नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार को पंजाब का केयरटेकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह सकते हैं। इसी बीच उमर सरफराज चीमा को इस्लामाबाद बुलाया गया है जहां वो आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मामले को करीब से जानने वाले सूत्रों ने यह भी बताया है कि इमरान खान चीमा को आगे की रणनीति के बारे में दिशा निर्देश देंगे। बहरहाल पाकिस्तानी महिला विधायकों की लड़ाई की इस वायरल वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।